कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान आया है। ट्वीट करते हुए दिग्विजय सिंह ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी राम मंदिर निर्माण का विरोध नहीं किया। इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ विवादित भूमि में निर्माण के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए कहा है। इसी के साथ उन्होंने साफ किया कि अयोध्या में गैर विवादित भूमि पर पूजन तो राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाताओं को वोट देने के लिए अपने घर से 2 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय न करना पड़े। आगामी लोकसभा चुनावों में भी ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को और तेज करना शुरू कर दिया है। बीजेपी की नज़र अब मुस्लिम वोटरों पर है, जिसे रुझाने के लिए पार्टी ने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका पहला आयोजन नवाबों की नगरी लखनऊ में किया गया। बीजेपी ने इसे शुक्रिया मोदी भाईजान का नाम दिया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही मस्जिद के सर्वे के आदेश पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान टॉप कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट याचिकाओं की सुनवाई योग्य होने के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका को सुने। इससे पहले सर्वे से जुड़ा आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था, जबकि शाही ईदगाह कमेटी ने मथुरा की जिला अदालत से सभी मामले हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने का विरोध किया है। रामलला के अपने मंदिर में विराजमान होने के साथ साथ अयोध्या में आस्था के साथ पर्यटन की असीम संभावनाएं बढ़ रही हैं। पर्यटन में असीम संभावनाओं के मद्देनजर देश के बड़े निवेशकों ने यहाँ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़े निवेश के लिए करार किया है। देश के नामचीन होटल अयोध्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं। ऐसे करीब 50 बड़े होटल कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया में हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव इंडिया गठबंधन का पहला चुनाव है। गठबंधन को बीजेपी से पहला मुकाबला भी यही होगा। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत तय है। वो लोकसभा चुनाव 2024 का टोन सेट करेगा। इससे ये तय होगा कि 2024 में चुनाव में कौन जीतेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भीषण ठंड का कहर जारी है। मंगलवार सुबह के समय दिल्ली पूरी तरह से शीतलहर और कोहरे की चादर में ढकी नजर आई। दिल्ली में आज सुबह घर से बाहर निकलने वाले लोगों को जमा देने वाली ठंड का एहसास हुआ। दिल्ली NCR में विजिबिलिटी न के बराबर रही। मौसम विभाग ने पूरे NCR के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इकोनॉमी की बुरी हालत के कारण बार बार पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन लेने को मजबूर हो रहा है। इसके साथ ही देश में महंगाई का बम फूट चुका है। देश में मुद्रास्फीति के कारण आम लोगों का खाने पीने की चीजों तक खरीदना मुश्किल हो गया है। फिल्म फेयर अवार्ड्स के 59वें एडिशन के लिए नॉमिनेशन की अनाउंसमेंट कर दी गई है। दिलचस्प बात तो यह है कि शाहरुख खान उनके साल 2023 की रिलीज दो ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान और डरती के लिए बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला है। वहीं 12वीं फेल को भी कई कैटेगरी में नॉमिनेशन हासिल हुए हैं। वहीं रणबीर कपूर के एनिमल को सबसे ज्यादा नॉमिनेशन हासिल हुए हैं। स्मिथ को लेकर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का बयान चर्चाओं में बना हुआ है। किम ह्यूजेस ने इस बात का भी सवाल खड़ा किया कि शानदार फॉर्म में चल रहे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कैम रूल बैनक्रॉफ्ट को मौका क्यों नहीं दिया गया। वह स्पिन वेस्टर्न ईस्ट के खिलाफ खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के जरिए ओपनिंग पर बैटिंग की जिम्मेदारी को संभालेंगे।